नमस्कार, आज हम राग भैरवी, उसका परिचय और उसकी सरगम सीखेंगे। राग भैरवी भैरवी थाट से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये राग जनक राग या आश्रय राग है। ये राग में रे, ग, ध और नी चार स्वर कोमल आते हैं। ये राग में एक भी स्वर वर्जित नहीं है, इसलिए ये राग की जाति संपूर्ण है। राग का वादी स्वर ध दैवत, संवादी स्वर ग गंधार है। राग का गायन समय प्रातः काल का है और संगीत की महफिल में अंत में ये राग गाया बजाया जाता है, इसलिए ये राग को सर्वकालीन राग भी कहा जाता है। ये राग बहुत मधुर, भक्ति रस प्रदान और श्रृंगार रस प्रदान राग है, बहुत लोकप्रिय राग है। इस राग में भजन, प्रार्थना, भक्ति गीत, ठुमरी, होरी, दादरा, टप्पा आदि गीत प्रकार गाए जाते हैं। ये राग में रे, ग, ध और नी चार स्वर कोमल आते हैं, लेकिन शुद्ध भी लिया जाता है। भैरवी राग में 12 स्वर भी लिया जाते हैं। आइए राग भैरवी की पकड़। म ग स रे स, म ग स रे स, ध नि स ग रे ग स रे स, स ग रे ग स रे स। आरो अवरो स रे ग म प ध नि स, स रे ग म प ध नि स, स नि ध प म ग रे स, आइए अब राग भैरवी का सरगम जो ताल तीन ताल में निबद्ध है वो सीखते हैं। ध प ग म प प प नि ध प म ग रे सा, ध प ग म प प नि ध प म ग रे सा, सा ग सा 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 स
तो ये हुआ राग भैरवी का परिचय और उसका सरगम गीत अस्तु।